दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस में एक प्यारा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन है धर्म निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या धर्म निरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। ठीक दोस्तों, इसको आप देखिए समझिए, तो रहा एक टर्म है धर्म निरपेक्ष राज्य। देखो, धर्म निरपेक्ष एक ऐसा राज्य होता है जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उसका बराबर का अधिकार मिलता है, सबको शिक्षा का अधिकार मिलता है, सबको रहने का अधिकार मिलता है, सबको वोट करने का अधिकार मिलता है, सबको एक अपना संस्कृति मनाने का अधिकार मिलता है, सबको आजादी मिलती है, सबको देश में रहने का अधिकार मिलता है, उसे क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष राज्य। जहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता हो, ये नहीं कि तुम हिंदू हो तुम्हें सब कुछ अधिकार मिलेगा, तुम मुस्लिम हो जब मुस्लिम वाले भागो, ऐसे नहीं। सबको, हिंदू को भी बराबर का अधिकार मिले, मुस्लिम को भी, सिख को भी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी हो, पारसियन हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, कोई भी धर्म का हो, उसको अगर उसका अधिकार मिलता है तो उसे ही कहते हैं क्या, धर्म निरपेक्ष राज्य। जैसे कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, बात क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य, 100% धर्म निरपेक्ष राज्य है यहाँ पर ऐसा। अच्छा एक चीज बताओ, तुम स्कूल में पढ़ते हो तो बताइए आपके स्कूल में सिर्फ हिंदू के ही बच्चे पढ़ते हैं क्या, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, सब धार्मिक लोग पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई विशेष वर्ग विशेष धर्म जैसे हिंदू का ही पढ़ता है, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, यानी क्या उसको भी अधिकार मिला है। जब भी अधिकार मिला है, सम्मान मिला है, इज्जत मिली है, प्रतिष्ठा मिला है, आजादी मिली है, तो वो राज्य कैसा होता है, धर्म निरपेक्ष राज्य। आप इसको एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हो, लिखना धर्म निरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है, जिसमें सभी लोगों को सभी उसके बिना किसी धर्म के सोचे, ये मत सोचना कि उसका धर्म क्या है, ये मत सोचना कि उसकी जाति क्या है, तमाम चीजों को दरकिनार कर दो, सिर्फ ये सोचो कि वो एक इंसान है और इंसान के नाते उसको सब कुछ अधिकार मिले जो उसे एक व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए, जो उसका एक हक हो, जो उसका एक कहते हैं ना अंदर का पूरा ये जो उसका एक जरूरत हो वो सब अधिकार मिले, तो उसे क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष राज्य, समझे। जहां पर उसको वोट करने का भी अधिकार मिले, जहां पर वो अपने अपने धर्म का मतलब प्रार्थना भी कर सके, जैसे हम लोग हिंदू हैं तो मंदिर में जाएंगे, मुस्लिम हैं तो कहा जाता है मस्जिद, यस ठीक है, तो जहां पर जिसका जो अपना पूजा स्थल है वो पूजा कर सके, कोई किसी का मतलब दुश्मनी ना हो, तमाम चीजें अच्छाई चीजें, उसे क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष राज्य, समझे। इसको आप अपने भाषा लिखना, जैसे एग्जांपल लिखना, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, तमाम तरह के लोग पढ़ते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, बताओ, उसे ही कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। और लिखना अंत में, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, ये भी बात लिखना, उदाहरण के लिए भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, समझे ना, है कि नहीं है भारत। चलो बताओ लक्ष्मी, धर्म निरपेक्ष राज्य से क्या समझते, बताइए अपने भाषा में बताओ। जो धर्म निरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें लोग अपने धर्म को नहीं देखा जाता है, बिल्कुल, और वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इत्यादि यही सब हो, ईसाई सब, तो इसमें लोग अपने स्कूल में कोई हिंदू पढ़ सकते हैं, मुस्लिम नहीं पढ़ सकते, सबको शिक्षा होना चाहिए। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें सब तरह के धर्म का आदमी पढ़ते हैं, बिल्कुल सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं है, भारत धर्म निरपेक्ष है नहीं, नहीं है, समझ गए ना, कैसे है अब ये भी बताओ। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते हैं, इसीलिए सबको बराबर का अधिकार मिलता है। बोलो जब वोट देने जाते हैं तो सिर्फ हिंदू ही लाइन में नहीं लगा रहता है, सभी लगे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समझे बात, ठीक है, बैठ जाओ। अरे अपने भाषा में लिखना, नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी को आपको लिखना है, धर्म निरपेक्ष राज्य, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो प्लीज समझ गए तो लाइक ठोकिए और शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।